आज उदासी, हताशा और निराशा का माहौल देश के कोने कोने में फैला है। क्या इस बोझ के तले दबे रहना जरूरी है? क्या हम आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? देश के कई राज्यों ने दिखाया है कि हालात बेहतर हो सकते हैं और गुजरात इस प्रगतिशील बदलाव का एक शानदार उदाहरण है। एक बदलाव जिसकी बुनियाद सुशासन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। एक बदलाव जिसके चर्चे देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। आखिर कैसे हुआ ये बदलाव? क्या है इनकी सफलता का राज? नए सुधार, अनूठी पहल और परिणाम देने वाला दृष्टिकोण, इन सब से मिलकर बनी है गुजरात सफलता की कहानी। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आज भी हम पिछड़े हुए हैं, देश अब भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन गुजरात के किसान इस संघर्ष भरे जीवन से आगे निकल चुके हैं। गुजरात सरकार किसानों की सहायता के लिए हर मोर्चे पर खड़ी है। कृषि के लिए योजनाएं महज बनाई ही नहीं गई हैं, बल्कि तहे दिल से उसे लागू भी किया गया है। लक्ष्य था किसानों की आय में हर प्रकार से वृद्धि, जिसकी शुरुआत बहुत ही सरल लेकिन अनूठे तरीके से की गई, कृषि महोत्सव के रूप में। गुजरात सरकार ने कृषि रथ यात्रा के माध्यम से स्वयं घर घर जाकर किसानों से संपर्क किया। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का दल भी उस यात्रा में शामिल था, जिन्होंने किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी, साथ ही पशुपालन से संबंधित जानकारियां भी दी गईं। इसके अलावा पानी की हर बूंद का इस्तेमाल कर अनाज की मात्रा बढ़ाने की तैयारी भी है। फुहारे और ड्रिपिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पिछले 10 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र 12,000 हेक्टेयर से बढ़कर 7,00,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। कुल खेती योग्य भूमि का क्षेत्र 108,00,000 हेक्टेयर से बढ़कर 148,00,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। 2001 से लेकर 2011 तक फसलों में विविधकरण का प्रयोग कर उद्यान कृषि का उत्पादन बढ़कर 350% पर पहुंच गया है। नए प्रयोग जैसे पशु आश्रय खोलकर दुग्ध उत्पादन में 85% की बढ़ोतरी हुई। 30,000 पशु आरोग्य मेले लगाए गए, जिसमें 1.2 करोड़ पशुओं का उपचार हुआ। साथ ही पशुओं को होने वाली 122 तरह की बीमारियों से रोग मुक्त कराया गया। ये सब आधारभूत संरचना में मजबूती के कारण ही संभव हो सका है। तभी तो गुजरात ने कृषि क्षेत्र में 9% के प्रभावशाली आंकड़े को छू लिया है, जबकि 10 सालों में राष्ट्रीय औसत 3.2% ही पहुंच पाया है। साथ ही कृषि क्षेत्र और जल प्रबंधन पर भी खासा ध्यान दिया है राज्य सरकार ने। जमीनी हकीकत को पहचानते हुए राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को संगठित किया। 10 साल के अंदर ही गुजरात ने 6,50,000 जल संरक्षण के ढांचे तैयार कर लिए हैं, जबकि पिछले 40 सालों में केवल 40,000 ढांचे ही मौजूद थे। आज गुजरात की 75% आबादी को नल के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार केवल 30% का ही लक्ष्य हासिल कर पाई है। यही नहीं, गुजरात ने आने वाले दिनों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं भी तैयार कर ली हैं, जिसमें राज्य को विश्व का सबसे बड़ा वाटर ग्रिड बनाया जाएगा। पहली बार मॉडल ऑफ वास्मो के तहत पीने के पानी की सप्लाई गांव-गांव तक संस्थागत तरीके से की जा रही है, जिसे 14,000 से अधिक पानी समितियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तभी तो गुजरात को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठित कैपेम अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता का अवार्ड भी गुजरात की झोली में गया है। उत्तम जल प्रबंधन के कारण ही फ्लोराइड, नाइट्रेट, लवणता और जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से प्रभावित गांवों में काफी सुधार हुआ है।
गुजरात देश का अकेला राज्य है जहां सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, और केवल यही वो राज्य है जहां पानी के स्तर में 3.17 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। 75% भूमिगत जल का उपयोग करने वाला गुजरात अब 85% सतही जल का उपयोग करता है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुजरात को भारी सफलता मिली है। आजादी के बाद गुजरात ऐसा राज्य है जिसने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सबसे बड़ा और निर्भीक कदम उठाया है। ज्योति ग्राम योजना के तहत सरकार ने सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए खेती के कार्यों, घरों और उद्योग के लिए उपयोग में लाए जाने वाली बिजली लाइनों को अलग अलग विभाजित किया है। 1290 करोड़ की लागत से 56,000 किलोमीटर हाई ट्रांसमिशन और 22,000 किलोमीटर लो ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का काम मात्र 1,000 दिन में पूरा कर लिया गया। इसीलिए तो किसानों को अनुदान पर बिजली उपलब्ध करा रही है सरकार। अब तक 18,000 से अधिक गांव को इससे जोड़ दिया गया है, जिन्हें 24 घंटे बिजली 3 फेज में दी जा रही है, वो भी बिना किसी बाधा के। इससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, साथ ही ग्रामीण उद्योगों को काफी बढ़ावा मिला है। प्लांट लोड फैक्टर को भी अपग्रेड कर बिजली चोरी को काफी हद तक कम कर दिया गया है। उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच होने वाली बिजली की बर्बादी को 30.64 से घटाकर 20.13 कर दिया गया है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नवीनीकरण कर PSU में बदल दिया गया, जिसके चलते 2001 में जो घाटा 2543 करोड़ का था, वो GEB रिपोर्ट के अनुसार 2011 में 624 करोड़ रुपए के फायदे में तब्दील हो गया, वो भी 7 साल में बिना बिजली दर बढ़ाए हुए। आज भी हमारा देश बिजली के संकट से जूझ रहा है, लेकिन गुजरात गर्व से अपने को पावर सरप्लस स्टेट बनाने में कामयाब रहा है। पब्लिक डिलीवरी सिस्टम के तहत नए प्रयोग कर लीकेज को रोका गया। इसका उद्देश्य था घर घर तक डिलीवरी सिस्टम को पहुंचाना। गुजरात सरकार ने नया कॉन्सेप्ट दिया गरीब कल्याण मेला, जो कि एक साधारण से मॉडल पर आधारित था। जरूरतमंदों को पहचानो और सार्वजनिक रूप से उन्हें लाभ पहुंचाओ, ताकि बिचौलियों को हटाया जा सके। 971 गरीब कल्याण मेला के तहत अब तक 11,000 करोड़ रुपए 75 लाख लाभार्थियों को सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं। इस अथक प्रयास से अनुदान वाले राशन और सामग्री के वितरण में कालाबाजारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। गुजरात ने डिजिटल राशन कार्ड और फूड कूपन की भी शुरुआत की है, जिससे मॉनिटर करना काफी आसान हो गया है, और साथ ही साथ इस योजना में पारदर्शिता भी लाने में मदद हुई है। इस मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। मानव संसाधन के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और अंततः रोजगार में भी इस राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। जबकि कन्या केलावणी और शाला प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की गई है। पठन पाठन के लिए बढ़िया सुविधा और साफ सफाई के कारण ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। 2001 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 20% थी, जो अब घटकर 2% पर पहुंच गई है। ये पहला राज्य है जिसने स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी खोलकर उच्च शिक्षा प्रणाली को नए आयाम तक पहुंचाया है। आज गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे कम 1% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 3.8% है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से देश के 72% लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला अकेला राज्य गुजरात है। कृषि के अलावा ऊर्जा, जल,
शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सुशासन के जरिए गुजरात ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। महिला सशक्तिकरण में गुजरात को रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार 2.5 लाख सखी मंडल की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जबकि 26 लाख महिला सदस्यों को मिशन मंगलम योजना के तहत जोड़ा गया है। विश्व में ख्याति प्राप्त चिरंजीवी योजना ने राज्य को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के क्षेत्र में 2012 तक 95% पर पहुंचा दिया, जबकि 2005 और 6 में ये 45% ही था। न्यायिक क्षेत्र में इवनिंग कोर्ट की शुरुआत कर अब तक 8.5 लाख मुकदमों को निपटाया जा चुका है। लोक अदालत के माध्यम से 61,72,000 केसेस का अब तक निपटारा मात्र 35 पैसे प्रति केस के खर्च पर हुआ है। राज्य की आपराधिक दर 11.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 19.6% है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार 0.7% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 2% है। सूचना प्रसारण की सहायता से लोक सेवा क्षेत्र में काफी विकास किया है गुजरात में, जैसे शिकायतों का निपटारा। स्वागत के माध्यम से आम आदमी की शिकायतों का निपटारा सीधे सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। लोक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए 2010 में स्वागत को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा सम्मान से नवाजा जा चुका है। गुजरात पहला राज्य है जो वनडे गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत कर 225 लोक सेवाओं की जवाबदेही जन सेवा केंद्र माध्यम से पूरा करता है। गुजरात उन राज्यों में भी शामिल है जो ग्राम सभा की पवित्रता को बरकरार रखे हुए हैं, जहां मुद्दों पर केवल चर्चाएं ही नहीं उसका समाधान भी होता है। फलों और आयकर प्रबंधन से राज्य की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2012 और 13 में 0.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि केंद्रीय स्तर पर ये घाटे के रूप में 3.9% पर पहुंचा। केंद्र सरकार की तुलना में गुजरात के योजना प्रबंधन का कद जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उससे ये प्रमाणित होता है कि इस राज्य के पास पूंजी बढ़ाने की सभी क्षमताएं मौजूद हैं। HDI के प्रति गुजरात कितना वचनबद्ध है, ये हम उसके सामाजिक क्षेत्र में हो रहे विकास दर से देख सकते हैं। 42.03% की तुलना में केंद्र 37.22% पर ही पहुंच पाया है। राष्ट्रीय औसत के अनुसार गुजरात की प्रति व्यक्ति आय में केंद्र की तुलना में 45% की वृद्धि हुई है। MSME पर भी राज्य सरकार का पूरा ध्यान है, तभी तो केंद्र के 19% की तुलना में गुजरात ने 85% की विकास दर हासिल की है। नए नए सुधार और अनूठी पहल के कारण ही आज गुजरात हर क्षेत्र में नंबर 1 बना हुआ है। नदी परियोजना में भी गुजरात पहले स्थान पर है। राज्य स्तर पर 2800 किलोमीटर गैस ग्रिड का निर्माण करने वाला गुजरात पहला राज्य है। BRTS में देश का सबसे सफल राज्य गुजरात ही है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क वाला राज्य है गुजरात, जिससे देश की 2/3 सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवायु परिवर्तन विभाग खोलने में गुजरात एशिया में पहले स्थान पर है और विश्व में उसका 4th स्थान है, जहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। ऐसी ही बहुत सारी अनूठी पहल और नई मंजिलें तय करने वाला राज्य है गुजरात, जिसकी विकास दर पिछले 1 दशक में 1/2 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार गुजरात की विकास दर 10.24% है, जबकि केंद्र की विकास दर 7.87% तक ही पहुंच पाई है। वैसे गुजरात विकास दर और आंकड़ों के खेल से काफी ऊपर जा चुका है। राज्य सरकार ने अपने अफसरों को कार्य करने और निर्णय लेने की पूरी आजादी दी है, तभी तो गुजरात हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गुजरात ने विकास का परचम लहराया है, क्योंकि वहां का शासन नेतृत्व केंद्रित ना होकर संस्थागत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, चाहे वह क्षेत्र कृषि का हो, ऊर्जा,
पानी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार या फिर भ्रष्टाचार से निपटना हो, अपने इसी दृष्टिकोण के बलबूते गुजरात ने एक नई विकास गाथा रची है। हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा गुजरात सुशासन की बदौलत इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसे युवाओं का देश कहा जाता है, उसमें ये बदलाव क्यों नहीं हो सकता? ये संभव है। हमारा देश भी विकास की नई गाथा लिख सकता है। जरूरत है बस नए बदलावों और नई सोच की। आइए हम साथ मिलकर ये बदलाव लाएं।